ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी बहुत वरिष्ठ मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्रियों में भी वरिष्ठ हैं और विरोध पक्ष के नेता हैं, आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। और इस फेट को सब जानते थे हमारे गठबंधन के साथ ही, इसीलिए सब सारे चीफ मिनिस्टर्स ने वाइकआउट का फैसला किया नीति आयोग का, क्योंकि खोना कुछ करना कुछ नहीं है। इन्होंने बिल्कुल स्क्रिप्ट लिखी हुई है कि बस वो दो लोग, हम दो, हमारे दो वाले हिसाब है। अब जो है जो कुछ बिहार में नीतीश कुमार को बचाए रखना है और वहाँ जो है नायडू साहब को बचाना है और अपनी सरकार को बचाना है, तो बाकी सारे राज्यों की उपेक्षा हुई है, यहाँ तक कि भाजपा शासित राज्यों की भी उपेक्षा हुई है। उत्तराखंड को आपदा में कितना पैसा मिला देख लीजिए, ये तो चंदन भी नहीं है, घिसने के लायक भी नहीं है जो मिला है, जबकि चुनौती बहुत बड़ी है धामी जी के सम्मुख। सर उनका कहना है कि विपक्ष की तरफ से वो एक लौती मुख्यमंत्री थी, लेकिन उससे पहले जितने भी लोगों ने बात करी उन्हें 15-15, 20-20 मिनट का समय देगा, लेकिन उनके टाइम पर 5 मिनट में ही माइक बंद कर दिया गया। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस शामिल नहीं हुई इस बैठक में, हमारे गठबंधन के सभी साथियों ने, जिसमें टीएमसी के लोग भी थे, उन्होंने भी कहा कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ममता जी ने लास्ट में निर्णय किया कि वो आकर के बंगाल के दर्द को रखेंगे, लेकिन उनको रखने नहीं दिया गया। सर आपने एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।